काट के बनाए हैं, क्योंकि ये करीमुआ का था तो इसलिए इसको काट करके उसमें मिक्स करके बनाए हुए हैं। तो फाइल इसको हम चलते छानते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं। तो फ्रेंड वेलकम है हमारे आज की न्यू ब्लॉग प्रतिमार के ब्लॉग में। और फ्रेंड बताइए आप लोग कैसे हैं, मुझे उम्मीद है आप लोग अच्छे ही होंगे। फ्रेंड आज हमारे घर एक नया चीज़ आया है जो कि हम बहुत खुश हैं फ्रेंड। और 3 साल पहले हम उसको बनाए थे और खाए थे और देखे भी थे, 3 साल पहले की बात है। तो फाइल हम ले चलते। तो फ्रेंड इतना सारा सामान हमारे घर में आया है जो कि आप लोग कमेंट में बताइएगा कौन सा सामान है, आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा अगले वीडियो में। मैं इस चीज़ का क्या बनाऊंगी और कमेंट में जरूर बताइएगा। ये 3 साल पहले मैं देखी थी, खाई थी, छुई थी, बनाई थी। ये तो हमेशा बनाती हूँ। ये आया हमारे घर में और आज ये मैंगो आ गया है। मतलब मैंगो तो हमेशा आता रहता है, दिखाते नहीं हैं। और आ गया है बैगन, तो बैगन दिखा रहे हैं आप लोगों को। और ये तो मतलब मटर की दाल है, क्या बनाऊंगी इसका। और ये आ गया है काजू, ये तो मेरे बाबू के लिए पर्सनल है। और ये तो बिस्किट है, ये उसका काम। तो फ्रेंड इतना सारा सामान आया है हमारे घर में और मैं क्या बनाऊंगी आप लोगों को अगले वीडियो में दिखाऊंगी। ठीक है फ्रेंड, मिलते हैं अपने लोगों से अगले वीडियो में। तो फ्रेंड हम चावल भेजे थे रात में, यहाँ पे मटर की दाल थी, देख रहे हैं। अब चलते हैं, पहले इसको अच्छे से साफ करके उसके बाद इसकी पिसाई करते हैं। बने रहिए आगे क्या बनाते हैं। देखिए फ्रेंड चावल ले चुके हैं, इसमें थोड़ा पानी डाल देंगे क्योंकि चिपके ना। अब इसको हम घुमाते हैं। दाल पैक कर चुके हैं, इसमें दाल ले चुके हैं, थोड़ा पानी डालेंगे उसके बाद इसको बंद करेंगे। चलिए लगाते हैं। तो देख रहे हैं फ्रेंड यहाँ पे हमारी खीर हो रही है, इसमें हम चावल डाल चुके हैं और यहाँ पे मसाला हमारा तैयार हो चुका है। ये दाल पीस ली है, ये चावल है, ये दाल है, इसमें मसाला इसका तैयार कर दी हूँ, इसमें मसाला है। चलिए फिर अब हम काटते फांदते हैं। पहले देख रहे हैं फ्रेंड पैसा कमाने का बहुत तरीका है। इधर इतना खुजा निकल चुका है और इतना इधर सिर्फ बचा है, देख रहे हैं। और रहा कितना, देखने पर बहुत ज़्यादा था लेकिन निकला इतना, इतना सारा खुजा निकल चुका। देखिए मेरा मसाला बनके तैयार हो गया है, देख रहे हैं। यहाँ पे कुकर में पानी रख दिए हैं इसको उबालने के लिए, अभी गर्म हो रहा है, इसको ढक दे रहे हैं। इसके बाद इसमें बनाएंगे जो बनाना है। अभी इतना निकाल करके मसाला इधर रखे हैं क्योंकि उसको अलग बनाएंगे, जो चौराई का साग है उसको अलग बनाएंगे, पहले जो करीमुआ का है इसको बना रहे हैं। फ्रेंड मेरा सोइना हो चुका है और इसको काट के बनाए हैं क्योंकि ये करीमुआ का था तो इसलिए इसको काट करके उसमें मिक्स करके बनाए हुए हैं। तो फाइल इसको हम चलते छानते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं। देख रहे हैं फ्रेंड यहाँ पे हमारा रिकॉच या सोइना कुछ भी आप बोल सकते हैं, यहाँ पे हम भून रहे हैं। ये बहुत चूर है, आप लोग देख रहे हैं, इसको बहुत अच्छे से हम भून रहे हैं। यहाँ पर इतना काट करके रखे हैं, अभी इतना थाली में है। चलिए ठीक है, फिर हम आप लोग से मिलते हैं। फ्रेंड यहाँ पे हमारा रिक्वेस्ट तो ही ना जो भी है बन के कम्प्लीट हो गया है। यहाँ पे खीर है।